दोस्तों, मैंने अभी लाइव स्ट्रीम यहाँ पे बंद की तो मैंने यूट्यूब यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ही चौंक गया जब मैंने वीडियो देखी। मैंने देखी विजय रिया ब्लॉग, जो कि एक ब्लॉगर है और काफ़ी गरीब था पहले, और मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता था, ठीक है। उसने लव मैरिज की और उसके घर वाले उसके खिलाफ थे, फिर भी उसने लव मैरिज की, ठीक है। और वो अलग रह रहा है और उसने जो अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन किया है और उसका यूट्यूब चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और क्या हुआ, जब मैं उसका ब्लॉग देख रहा था तो वो रो रहा था। मैंने जब हुआ क्या एक्चुअली, तो एक्चुअली हुआ ये कि उसके पास कोई सब्सक्राइबर आया और उसने उसे तंग किया, उसकी वाइफ को तंग किया, और वो बिल्कुल ही परेशान हो चुका। और आप उसका वीडियो शायद देखते होंगे, शायद नहीं भी देखते होंगे, कुछ लोग विजय रिया ब्लॉग्स का वीडियो देखते होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा यूट्यूबर है, बहुत ही सीधा साधा भोला वाला बंदा है, और उसको तंग किया गया एक सब्सक्राइबर के थ्रू, ठीक है। तो वो रो रहा है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। तो आप उसकी वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं और कमेंट ज़रूर करना कि वो लड़का जो है उसके साथ सही हुआ या फिर गलत हुआ। आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। सर प्लीज मुझे बचाइए, मेरी मजबूरी है। देखिए एक लड़का आके मुझे सुबह से परेशान कर रहा, सुबह से मेरी मतलब रंभा वहाँ अकेले काम कर रही थी रिया, वहाँ जाकर के अंदर बाहर नीचे हो रहा था। देखिए मेरी चांदनी के आगे पीछे दौड़ रहा था, कुछ खिला देगा कुछ कर देगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए मैं तंग हो चुका हूँ कि प्लीज मेरा घर मत आइए, मत आइए। देख रहे कितना पब्लिक यहाँ जमा है, मैं रो रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ। आज तक मेरी वीडियो में मैं नहीं रोया हूँ, लेकिन मैं तंग आ चुका हूँ, क्या करूँ, मैं मजबूरी हूँ। देखिए लड़का कहाँ का, दिल्ली का, सुबह से मेरे को परेशान कर दिया यार, मैं क्या करूँ भाई। प्लीज मैं हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लोगों को तो लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, नजर में देख देखिए कितना पब्लिक है, देखिए तमाशा खड़ा कर दिया मेरा यहाँ। देखिए रियाजी, रियाजी खुद बताएंगे। हम बोल रहे थे कि सुबह भैया मना किए थे, नहीं मान रहा, लोगों को परेशान कर दिया, रियली बता रहा हूँ, तो क्या करूँ अब। दोस्तों जैसे कि मैंने जो आप सभी लोगों को बताया था कि मेरी बहुत ही प्रॉब्लम है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, देखिए बंदा इस लड़का को देखिए। एक्चुअल मैं आप सभी लोग बताता हूँ, इधर आओ रियाजी भी इधर देखिए, यहाँ कितने सारे देखिए यहाँ पब्लिक जमा हो गए। ये देखिए सुबह की बात है, आज क्या हुआ मैं आप सभी लोग रिसेंटली बता रहा हूँ। सुबह मेरा ये बंदा घर 6:30 बजे पहुँचा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके साथ समय दिया 1 घंटा, समझाया। उसके बाद मैं चल गया दुकान काम करने के लिए, वो सामान लाने के लिए दुकान। और रियाजी और मेरी बहन सिस्ट देखिए इधर खड़ी है, ये लोग अपना जो मेरा पुराना जो नया घर है वहाँ मिट्टी का लेप लगा रहे थे, और ये लड़का फिर से आया और इन लोगों को पूरा तंग कर रहा था। क्या क्या कर रहा था बताओ तुम लोग। हम लोग बोले कि भैया सुबह जब मना किए तो वीडियो मत बनाइए, तो फिर भी बाहर निकल के बना ही रहे। क्या कर रहा था बताओ। बोले कि भैया को आने दीजिए, उसके बाद जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा जो घर है वो पूरा फाका जगह में, आगे पीछे कोई घर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। और मेरा सहयोग में यहाँ कोई साथ देने वाला नहीं है दोस्तों, ये जो आप लोग जो भीड़ देख रहे हैं ना, बस ओनली यहाँ तमाशा देखने के लिए बस भीड़ है, बाकी कोई कुछ बोलने वाला जाने वाला कुछ नहीं है। इसलिए मैं क्या करूं। और ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, और मेरी मजबूरी को आप लोग समझिए। ऐसे ऐसे हरकत करते हैं यहाँ लोग आकर के, मेरी भी मजबूरी है, तभी मैं वो वीडियो में बोला था। एक्चुअल आप लोग क्या, मैं आप सभी लोग बताऊं, और अपने मैं अपने चैनल में खुद में अनाउंसमेंट में कर चुका हूं कि प्लीज मत आइए, प्लीज मत आइए। अच्छा अच्छा दादी आप बताइए, लड़का कितना बजे आया था। बिहाने आया था, देखिए सुबह आया था, कितने को देखे थे, देखो यार कितना बजे आया था लड़का, 6 बजे इधर इधर उधर आ गया टहल रहा था। देखिए आप लोग देख सकते हैं देखिए मैं क्या मैं बोलूं, बताइए आप सभी लोग। इनसे मिलो, ये गिलोरी इस मिशन में तुम्हारे साथ रहेगी, बतौर पत्नी मिल सकता था। मैं तंग आ गया हूँ, प्लीज ऐसा मत करें। जो भी होता मेरे साथ, आप लोग मेरी फैमिली है, तभी मैं आप सभी लोगों तक मैं अपनी शेयर बात को रखता हूँ। मेरे से जब मेरे दिमाग से जब आउट हो जाती है तब मैं ये करता हूँ। मुझे ये जोर नहीं थी ये वीडियो बनाने की, तभी भी ऐसे झगड़े हुए थे, लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करिएगा। लेकिन अभी आप लोग देख रहे हैं कितना यहाँ पब्लिक जमा है, देख रहे हैं आप लोग, सुबह से परेशान कर दिया, जैसे आप लोग देखें। क्या मैं करूँ, मैं साफ मना करा था, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। बस क्या करूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही है। दोस्तों अभी जा करके वो लड़का गया, अभी आप सभी लोगों को बता रहा हूँ क्या हुआ। तुम उतर कर सकिए ना, हम सुबह सो करके उठे थे 5:30 बजे, ये लड़का यहाँ हाजिर हो गया 6:30 बजे समथिंग, हाँ। उसके बाद हम 1 घंटा उसके पीछे हम समय दिए, 1 घंटा उसको हम समझाए, और पता दोस्तों उसकी चैनल में मात्र
24 गो की 19 गो वीडियो मात्र, वो 6 महीने की करियर चैनल है, वो 6 महीने की चैनल मात्र 24 गो वीडियो शॉर्ट लॉन्ग मिला करके, जो मेहनत नहीं कर रहा जो भी हो, उसके बाद मैंने 1 घंटा उसके प्रति समय दिया उसके पीछे, उसके बाद समझाया, उसके बाद चला गया मेरे सामने वो गाड़ी बैठा, उसके बाद हम चले गए दुकान वो प्लास्टिक लाने के लिए। अब सभी लोगों को दिखा रहे उस घर में जा करके दोस्तों, प्लास्टिक लाने के लिए हम गए और रिया तो अकेले थी और मेरी बहन जिसे आप लोग देखे सुनीता भी, हम लोग घर में हाँ उन लोग लेसाई का उन लोग काम कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि फाका जगह जिसे आप लोग देखे दोस्तों, चलिए आप सभी लोगों को दिखाते आ जाइए। तो मैं क्या करूँ, मेरे साथ जो होती मैं आप सभी लोगों तक खुल के बताता हूँ, सुख हो दुख हो जो भी होता खुल के बताता हूँ। मैं भी मैं क्या करूँ, देखिये जो है घर बस एक दो यहाँ घर है पूरा फक्का है यहाँ भी है, उसके बाद छोटा मोहला है, कोई बड़ा सा मोहला नहीं है, छोटा है। देखिए लोग तो यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं कोई लोग, अगर वाई दुबे कुछ हो जाएगा उन्होंने सामान लेकर के आए, जबरदस्ती लोग करेगा कि नहीं तुम मेरा लाइव में ले लो, मेरा प्रमोट कर दो, नहीं तुमको मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा आप ही लोग बताइए। देखिए एक भी लोग नहीं दिख रहे यार, जबकि अभी दोपहर का समय, लड़का जस्ट अभी गया ही है, कोई नहीं था। और देखिए जैसे आप लोग देख रहे हैं वो देखिए फक्का, पूरा फक्का जगह, एक भी घर नहीं है उस जगह पे, मात्र एक घर है तो वो पीछे में है। और ये कुआं जिसे देख रहे हैं यही रास्ता है दोस्तों, जिसे आप लोग देख पा रहे हैं सेम यही रास्ता है। और ये कुआं है देखिए, यही कुआं में उस दिन स्नान कर रहे थे लोग और क्लिप में आ गया था कितना दूर में देखिए। और उनको उनके साथ ही मेरी ऐसी हुई, अब अभी भी अभी ऐसे ही मेरे साथ हो, मैं क्या करूं, मुझे लोग क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं बताइए तो आप ही लोग, क्योंकि आप लोग मुझे जीने नहीं देंगे। मैं कोई क्या मैं कर रहा हूं अपने जगह में, या मैं गरीब एक मैं नॉर्मल इंसान हूं, मैं गांव से हूं यार, प्लीज मेरी बातों को आप लोग समझिए, क्यों नहीं समझ पाते हैं। मैं अच्छे से मैं विवरण करके बता चुका हूं अपनी वीडियो में, ठीक है। दूर दूर तक पूरा घर ही नहीं दिख रहे जिसे आप लोग देख रहे हैं, एक भी लोग नहीं है, अभी दोपहर का समय है। मैं कहीं जंगल चला जाऊं, मैं कहां कहीं चला जाऊं, रिया जी अकेले रहेंगे, मेरी बेटी अकेले रहती है, अभी तो मेरी सिस्टर आई है, इससे पहले तो सभी लोग यहां सन्नाटा है, कोई लोग नहीं रहता है। आगे पीछे कुछ अगर हो जाए पकड़िए, किसी को कुछ अगर चाकू को दिखा दे कुछ कर दे पकड़िए, अभी इतना भी जो भी हो भगवान का दया दुआ से अभी मेरा चैनल अभी चल रहा है, लोगों के अंदर बहुत मतलब बहुत तरह से भावना भी आ रहे हैं। अपना हम लोग काम करते हैं, बस हम लोग अपना काम करते हैं, काम करते हुए लोग अपना जो दिनचर्या होता है, देखिए हम लोग इसी को हम लोग यहाँ ये कर रहे थे, कल हम लोग इसको लेसाई कर रहे हैं, जैसे आप लोग देखे मेरी खराब हो गई थी, इसके ब्लॉग से आएंगे, देखिए इसको लेसाई कर रहे थे हम लोग, और इसको लेसाई करके हम लोग गए थे, हम गए थे प्लास्टिक लाने के लिए, देखिए ये प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक है इस प्लास्टिक को हम लाने के लिए गए थे, और दीवार हम लोगों को बच सके, दीवार हम लोगों की बस सकी, दीवार इसीलिए हम लाए थे, अपने कामों से मेहनत करते हैं। और देखिए इधर भी हम ला करके रखे हैं प्लास्टिक, एक्चुअली कल हम प्लास्टिक लाने के लिए गए थे तो वो थोड़ी बड़ी हो गई, तो हम एक्सचेंज करने के लिए गए थे।